बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्शकों को इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि तमाम बहुजनों से जो संबंधित मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम चर्चा करें, उन मुद्दों पर चर्चा करके हम कोई समाधान निकालने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम के जरिए हम बहुत सारे उन लोगों तक भी वो बात पहुंचाना चाहते हैं जहां तक ये आवाजें नहीं पहुंच पाई है, ये जानकारियां नहीं पहुंच पाई है। हमारी ये कोशिश होती है कि तमाम बहुजन के उत्थान के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपके सामने लेकर आएं और उनसे सवाल भी करें कि आखिर वो अपने कामों में, अपने इस अभियान में कहाँ तक कामयाब हुए हैं, उनके आगे की रणनीति क्या है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब करें और अगर कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं दद्दू प्रसाद जी। आप सभी जानते हैं इन्हें कि आप एक बहुत बड़े सूबे यानी कि भारत के एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे हैं और काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में दद्दू प्रसाद जी। हाँ, और जय भीम साहब, जय भीम। इस खास बात तो ये है कि आपने मान्यवर कांसीराम साहब के उस आंदोलन में भी हिस्सा लिया है जिस आंदोलन के जरिए वो लगातार साइकिल के माध्यम से देश में एक जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे और उसमें वो कामयाब भी हुए और आपने उस आंदोलन का हिस्सा बनकर अब इस राजनीति में कदम रखा है और राजनीति के माध्यम से भी आपने अपने इस सूबे की व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। आप सामाजिक कामों में भी संलग्न हैं। ये बताएं कि कौन सा रास्ता बेहतर होता है कि हम लोगों तक सही ढंग से उनकी जो जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को सुधार करने में हम कामयाब हो पाते हैं। कौन सा रास्ता है? सामाजिक क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, फिर बाद में आप राजनीति में भी आए हैं। देखिए सुधीर जी, जहाँ तक रास्ता है तो पहले हमें कनेक्ट करना होगा कि डिसीज क्या है, जी बीमारी क्या है। बहुधा हम लोग डिसीज को डायग्नोस्ट नहीं कर पाते हैं, और जो डिसीज के सिम्पटम हैं, लक्षण हैं, उन लक्षणों पर उलझ करके रह जाते हैं। जी तो मानवर कांशीराम जी का, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का स्पष्ट रूप से आकलन रहा है कि लक्षणों का उपचार करने से बीमारी नहीं समाप्त होगी, लक्षण तो समाप्त हो जाते हैं बीमारी के समाप्त होते ही। जी 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 तो इसलिए बीमारी जो है, जहाँ तक गरीबी की अगर बात करें, गुलामी की बात करें भारत में, तो इस देश का जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था है, जो गैर बराबरी पर खड़ी हुई है, ऊंच नीचता, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म आदि आदि, ये काल्पनिक बातें जो पूरी समाज व्यवस्था को संभाले हुए हैं और ऊर्ध्वाधर खड़े होने के बाद भी ये टिकी हुई समाज व्यवस्था है, तो इसको टिकाए रखने में अज्ञानता, अंधविश्वास, अविद्या, अवैज्ञानिकता ने एक बड़ा संबल इसको प्रदान किया हुआ है। तो गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार के अवसरों का असमान बंटवारा, जी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास रोजगार का भंडार है, एक ही परिवार में 10-10 लोगों को रोजगार है, बल्कि और ज्यादा लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, पर उनके पास मैन पावर नहीं है, आदमी नहीं है। और करोड़ों परिवार हैं जिनके घरों में एक रोजगार का भी टोटका है और उनको कमी है। रोजगार के अवसरों का असमान बंटवारा, जी एक तरफ कुछ परिवारों के पास अत्यंत अर्निंग एम्प्लॉयमेंट है, मतलब अत्यंत कमाई के बहुत जरिए सारे स्रोत हैं। आमदनी के ज्यादा ज्यादा आमदनी वाले रोजगार हैं, और एक तरफ करोड़ों परिवार हैं जिनके पास कम आमदनी के रोजगार के अवसर हैं, अर्थात वह हैंड टू माउथ हैं जी और मजदूरी पर निर्भर हैं, श्रम पर ही निर्भर हैं। तो इसलिए गरीबी है, पर गरीबी की भी अम्मा है इस देश में गुलामी, और गुलामी की अम्मा है इस देश की समाज व्यवस्था। तब जब तक इस देश में ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था
खड़ी रहती है, टिकी रहती है, तब तक इस देश में, जिसको मानवर कांसी राम जी हमेशा ऐसा कहते थे कि ऐसी खड़ी हुई समाज व्यवस्था, एक तरफ ऊपर वाले बेनिफिशरीज क्लास है और दूसरी तरफ नीचे विक्टिम क्लास है, तो विक्टिम लोगों की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, नीड है जी, वो इस व्यवस्था को बदलने के काम में लगे। बेनिफिशरीज वर्ग है जो इससे लाभ उठाने वाला तबका है, उसके हित में है कि वो इस व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखे जी। तो जिनको इस व्यवस्था से नुकसान है उनकी जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए काम करें। ऐसी जो संविधान के प्रियम्बल में लिखा गया है भारत के संविधान के, कि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 38 है जो जी। वो इस बात की गारंटी देता है और ये जो है इसमें नीति निर्देशक तत्व तो है ये, और उसमें सब सरकार को डायरेक्शन है कि सरकार एक समानता पर आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करे। क्लॉज 2 38 का क्लॉज फर्स्ट है ये जी। और अनुच्छेद 38 का क्लॉज सेकेंड कि यथा संभव सभी नागरिकों के आमदनी में असमानता को समाप्त करे। हम आमदनी जो है सभी नागरिकों की एक समान हो, अर्थात वो संपदा के स्रोतों पर भी समान रूप से कब्जा हो। अभी क्या है कि संपदा के स्रोत कुछ लोगों के पास अधिकतम है और कुछ लोगों के पास संपदा ही नहीं है, बल्कि हजारों साल तक मनुविधान के आधार पर संपत्ति धारण करना, संपत्ति संग्रह करना उनके लिए न केवल वर्जित किया गया बल्कि दंडनीय अपराध घोषित किया गया और कठोरतम दंड निर्धारित किए गए। तो बड़ी जो आपने सवाल किया कि इस देश की समाज व्यवस्था को बदलना और बदल करके, और ये हमारा कुछ लोगों का अपना एजेंडा नहीं है, ये भारत के संविधान का एजेंडा है। वाकई और इसलिए भारत का संविधान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल, और गीता है, बाइबिल है और वही कुरान शरीफ है हमारे लिए। हमारे लिए कोई अलग से कुरान शरीफ, बाइबिल और गीता नहीं है, हम भारत के संविधान को ही। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए जनमत तैयार किया जाए, क्योंकि जो नेता है भारत में सही मायने में, तो नेता कहने में शर्म आती है और ऐसा लगता है कि हम अल्प बुद्धि है, अल्प ज्ञानी है। भारत में नेता नेता नहीं है, पिछलग्गू है। अर्थात नेता उन बातों पर, उन मुद्दों पर बात करता है जिस पे पब्लिक आकर्षित होती है। वाकई तो इस तरीके से नेता भीड़ का पिछलग्गू है। नेता जो है वो भीड़ का पिछलग्गू है। तो अगर नेता को रोजगार के विषय पर, समानता के विषय पर, स्वाभिमान के विषय पर, शिक्षा सभी को समान हो, इन मुद्दों पर अगर लाना है, स्वतंत्रता का जो मुद्दा है लिबर्टी, उस पे अगर नेता को बात करानी है, डिबेट करानी है, तो जनमत को इन बिंदुओं पर हमें रजामंद करना होगा। एक वाकई, 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 बड़ा वाकई, काम है ये, बड़ा ये काम है। करना ही होगा। निश्चित, इस काम को किए बिना हम नेताओं से उम्मीद करें कि नेता एक समान शिक्षा के मुद्दे पर बात करें या सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे पर बात करें, तो नेता तो भीड़ का पिछलग्गू है। जैसे प्रसाद जी ये बताएं कि जैसा आपने बताया कि बहुत आवश्यक है कि समाज को तैयार किया जाए इस व्यवस्था को बदलने के लिए। बहुत सारे संगठन हैं अपने अपने स्तर पर ये काम कर रहे हैं, और कुछ संगठन हैं जो सिर्फ समाज को जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, कुछ संगठन हैं जो राजनीति का अपना जो क्षेत्र है उसमें काम कर रहे हैं, बहुजनों में ही कुछ ऐसे संगठन है जो धार्मिक के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। अब हम अगर देखते हैं तो सभी लोग जब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेरा जो सवाल था उसमें एक बात ये भी थी कि आपको कौन सा ज्यादा कारगर जो क्षेत्र है वो नजर आया जिससे हम इस व्यवस्था को ज्यादा बेहतर तरीके से बदल सकते हैं या अपने जो बहुजन समाज की ज्यादा अच्छे से कल्याण कर सकते हैं? नहीं, जो सामाजिक क्षेत्र है तो सामाजिक क्षेत्र में मैं स्पष्ट कर दूं, मुझ जैसे मानवर कांसीराम जी के चेले
जो उनके शागिर्द रहे हैं, हम समाज सुधार पे भरोसा नहीं करते हैं। रिफॉर्मिस्ट जो है रिवोल्यूशन का विरोधी है जी। रिफॉर्म की जो प्रक्रिया है वो संशोधन प्रस्ताव लेके आती है कि आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात छोड़ दीजिए और रिफॉर्म पे उलझ जाइए। तो रिफॉर्म से हम सहमत नहीं हैं, और हमारे दुखद ये है कि देश भर में अनेक अम्बेडकर राइट जो है वो जब सामाजिक बातें कर रहे हैं तो उनके सामने सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य सामने नहीं है। वो समाज सुधार में ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और अपनी जो ऊर्जा है ऊर्जा का क्षरण भी कर लेते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से मानवर कांशीराम जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, कि हम सामाजिक काम जब कर रहे हैं तो मेरा आशय है सामाजिक परिवर्तन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना है, सामाजिक बदलाव के लिए। चूंकि हम बहुत ही शिद्दत के साथ इस बात के पक्षधर हैं और इस पे हमें कॉन्फिडेंस है कि वर्तमान समाज व्यवस्था में हमें कल्याण हित संभव नहीं है, सामाजिक न्याय संभव नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय की अवधारणा एक धोखा है। या तो जिन लोगों ने सामाजिक न्याय की बातें कही या तो वो खुद धोखे में थे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या वो लोगों को धोखा देना चाहते थे। इसका मतलब यह हुआ कि वो लोग तो सचेत थे पर जानबूझ करके एक गलत मुद्दे पर, जो 1970 के बाद सामाजिक न्याय की बात बहुत जोर शोर से प्रचारित की गई। इसलिए 1980 के बाद जो 90 का दशक है और उसके बाद अगेन 21वीं शताब्दी प्रारंभ होती है, तो उसपे मानवर कांशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तन की बात कही है और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय संभव नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम सामाजिक बात करते हैं कि सामाजिक काम, तो मेरा आशय सामाजिक काम से समाज सेवा करना नहीं है, ये भी स्पष्ट कर दूं। और मैं हम सहमत नहीं है इससे, सामाजिक परिवर्तन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना ही हमारी नितांत आवश्यकता है। और मानवर कांशीराम जी ने ऐसी वैचारिकी को आगे बल दिया, ताकत दिया और इसको उन्होंने प्रोसीड किया और इसको कामयाब बनाने के निकटतम पॉइंट तक पहुंच गए वो। जी जी, एक बात हम यहाँ पर देखते हैं, जब भी हम बहुजनों के बीच काम करने वाले लोगों से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि सभी को लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कौन इस क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है या किस काम के साथ में लोगों को जुड़ना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमें अब ये स्टेज आ चुकी है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा और कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ना होगा, कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिराव फुले का और मानवर कांशीराम जी का जो जमाना था, तो फुले साहू अम्बेडकर और कांशीराम की जो मुहिम है उस मुहिम में सिंगल माइंड लीडरशिप है, सिंगल मैन लीडरशिप है। तो सिंगल मैन लीडरशिप अगर फुली डेडिकेटेड है और फुली सैक्रिफाइस्ड है, त्याग और बलिदान और श्रम, ये तीन चीजों को मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि ये तीन चीजों को वर्तमान परिदृश्य में आकलन नहीं किया जा रहा है, ये आकलन करना होगा। त्याग बलिदान और श्रम। श्रम जो है, बिना श्रम के हमारे पास सेक्रीफाइस है, हम पूरी तरीके से, पर हम श्रम नहीं कर रहे हैं, हम गांव गांव नहीं जा रहे हैं लोगों के बीच, क्योंकि जो लोग हैं नीडेड क्लास है वो गांव में पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने जो सवाल उसके क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि हमें ये कलेक्टिव, मानवर कांशीराम जी का जो पीरियड था, तो जब फुली डेडिकेटेड लीडरशिप है तो सिंगल मैन लीडरशिप यूजफुल है, क्योंकि सिंगल मैन लीडरशिप में, सिंगल मैन ऑर्गेनाइजेशन में एक सुविधा है कि निर्णय तत्काल होते हैं और तत्काल फैसले होते हैं, एजेंडे के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है,
और कोई भी निर्णय लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। पर सिंगल मैन लीडरशिप के नुकसान है, खास करके जब शोषणकारी ताकतों के द्वारा परिवर्तनकारी लीडरशिप को आइडेंटिफाई कर लिया गया हो, तो उसका नुकसान यह है कि एक आदमी को हाईजैक कर लो जी। और पूरा करोड़ों का काफिला हाईजैक हो गया, करोड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया, एक आदमी को हाईजैक कर लो या एक आदमी को लालच में फंसा लो और करोड़ों अरब लोगों का काफिला कारवा आंदोलन तहस नहस हो गया, गुमराह कर दिया गया, या एक आदमी को भयभीत कर दो, तो ये चीजें हैं। इसलिए अब जब हमारे समाज में 1848 में जब एजुकेशन प्रारंभ हुई जी। और अंग्रेजों के जाने के पश्चात तो काफी बड़े पैमाने पर हमारे समाज में एजुकेटेड क्लास तैयार हुआ है, थिंकर, सोच विचार करने वाले प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर तैयार हुए हैं, तो कलेक्टिव लीडरशिप की आवश्यकता है, कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। और हम ऐसा लगता है कि अब सिंगल मैन लीडरशिप आगे कामयाब नहीं होगी हमें, और खास करके जो शोषणकारी ताकतें हैं वो भी कलेक्टिव लीडरशिप लेके खड़ी हो गई हैं। शोषणकारी ताकतों का जब कांग्रेस पार्टी का एडिशन था, कांग्रेस पार्टी का जो उसके तहत लोग इकट्ठा थे, तो वो सिंगल मैन लीडरशिप का जमाना था। पर जब वो भारतीय जनता पार्टी शोषणकारी ताकतों का प्रतिस्थानी ऑर्गेनाइजेशन आके खड़ा कर दिया, जिसको आरएसएस ने प्रोसीड किया, प्रेजेंट किया है, तो प्रस्ताव उस खड़ा कर दिया है, तो वो ग्रुप लीडरशिप उसमें नजर आती है। अगर नरेंद्र मोदी आज परिदृश्य से विलुप्त हो जाए तो वो शोषणकारी ताकतों का जो जखीरा है वो समाप्त नहीं होगा, वो नई लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप लेकर के आके खड़े हो जाएंगे। इसलिए जो परिवर्तनकारी लोग हैं उनके लिए भी नितांत आवश्यक हो गया है इस समय कि हमें सामूहिक नेतृत्व को आधार पे अब आगे बढ़ना होगा, ग्रुप लीडरशिप के आधार पे आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस समय नहीं ले सकता हूँ तो कि हम, पर फिर भी बहुत लोग पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जी। हम केवल समाज सेवा, समाज सुधार की बातें ही ना करते रह जाएं, बल्कि वर्तमान व्यवस्था को बदलना और बदलने के लिए एक रोड मैप तैयार करना और रोड मैप को जनता के सामने प्रेजेंट करना और फिर उससे जनमत उसके प्रति तैयार कराना नितांत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। मतलब अभी वर्तमान नेताओं में आप किसी को भी पूर्ण समर्पित नहीं मान रहे हैं? नहीं, मैं तो देखिए, मैं कुछ लोग तो पर्दे के पीछे से शोषणकारी ताकतों के सपोर्ट में हैं और कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से उनकी गोद में खेल रहे हैं। जो गोद में नहीं खेल रहे हैं तो वो पर्दे के पीछे से चमचा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 सितंबर 1932 को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अपने नुमाइंदे लोकसभा और विधानसभा में चुन करके भेजने में नाकामयाब हो गए, हम अपने नुमाइंदे नहीं भेज सकते हैं और नहीं भेज पा रहे हैं, ना केवल लोकसभा विधानसभा में हमारे नुमाइंदे नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि ग्राम सभा, जिला सभा और जो ब्लॉक की सभाएं हैं, यानी पंचायती राज संस्थान है, वहां पर भी हमारे सच्चे नुमाइंदे नहीं इलेक्ट हो पा रहे हैं। तो यहाँ तक की बात जी जी, सच्चे नुमाइंदे मतलब जो इस वक्त रिजर्व सीट से जा रहे हैं वो, हाँ, वो नहीं, वो हमारे नुमाइंदे नहीं है, वो हमारे जालिम के नुमाइंदे हैं जी, वो हमारे शोषणकारी ताकते हैं उनके नुमाइंदे, अर्थात कठपुतले बन करके रह गए हैं। और बल्कि ऐसा स्पष्ट नजर आता है कि 2004 के पश्चात शोषणकारी ताकतें इतनी मजबूत हुई परिवर्तनकारी ताकतों के शिथिल हो जाने के कारण, और मैं रेखांकित कर दूं कि मानवर कांसीराम जी के विदा हो जाने के कारण जी। तो शोषण परिवर्तनकारी ताकतें लगभग पैरालाइज हो गई, तो शोषणकारी ताकतें एकदम मजबूत हो गई और मजबूत होकर के चमचा, कठपुतला, विधायक और सांसद सुनते थे हम।
25 सितंबर 32 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि चमचा युग एक नया शुरू हो गया है, पर 2004 के पश्चात चमचा प्रधानमंत्री हमें दिखाई दिया। 2004 से 2014 तक एक किस्म का चमचा प्रधानमंत्री था कि कठपुतली के रूप से काम कर रहा था और कठपुतली के तार कहीं और से संचालित हो रहे थे जी। दूसरे 2014 के बाद दूसरा कठपुतला प्रधानमंत्री हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये एक बड़ी भारी भारत के लोकतंत्र की विडंबना है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यहां तक कहा कि हम मताधिकार खो चुके हैं। अर्थात मताधिकार का यूटिलाइजेशन क्या है? तो मताधिकार का उपयोग है कि हम अपने नुमाइंदे जिता के भेज सकें लोकसभा विधानसभा में, ग्राम सभा जिला सभा में। तो ग्राम सभा की भी रिजर्व सीट में विक्टिम क्लास के शोषित वर्ग के सच्चे नुमाइंदे नहीं जीत पा रहे हैं, पर कठपुतले वहां भी जीत रहे हैं। यहां तक कि ब्लॉक प्रमुख में, जिला पंचायत के चेयरमैन में, जिला पंचायत सदस्य के पदों पर भी कठपुतले जीत करके जा पा रहे हैं। तो ये न केवल ऐसा क्यों रहा? ऐसा इसलिए है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, हम हैं 85% पर 6000 टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो 85% तो हैं पर 6000 खंडों में हैं। तो जब तक ये 6000 टुकड़े में हम तोड़े गए लोग हैं, तो मानवर कांशीराम जी ने ये बड़ी कोशिश किया और उस पे कामयाब हुए कि 6000 में से 2003 में उन्होंने बंगलौर में अनाउंस किया कि मैं 600 टुकड़ों को एक मंच पर लाने में कामयाब हो गया जी। यानी उन्होंने नहीं कहा कि मैं 1000 टुकड़ों को लाने में कामयाब हुआ हूं, नहीं कहा उन्होंने कि मैं 6000 को। यानी मानवर कांशीराम जी अतिशय बात करने के, गप हांकने के आदि नहीं थे। उन्होंने कहा मैं 600 जातियों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुआ हूं। तो 600 को जब एक मंच पे ले आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तीसरे नंबर की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हम रेखांकित हुए हैं, पर 1000 को जिस दिन ले आएंगे तो हम नंबर एक की पावर होंगे, ऐसा वो कहते नजर आते हैं। पर कारवा 15 सितंबर 2003 के पश्चात, जब 25 अगस्त 2003 को उन्होंने लखनऊ के अंबेडकर मैदान में घोषणा किया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होना चाहता हूं और 2004 में हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे, 25 अगस्त 2003 को उन्होंने कहा, तो दुश्मन चौकन्ना हो गया जी। उन्होंने कहा कांशीराम की एक घोषणा कोल्हापुर में हमने सुनी 26 जुलाई 2003 को, एक महीना पहले, जहां उन्होंने कहा कि मैं 6 करोड़ लोगों के साथ 14 अक्टूबर 2006 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा और मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। और यहां ये नई घोषणा कर रहा है कि 2004 में मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, तो पहले ये प्रधानमंत्री होगा और उसके बाद प्रबुद्ध भारत बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम करेगा। तो उसके पहले ही उस घोषणा के 25 अगस्त 2003 के ठीक 21वें दिन 15 सितंबर 2003 को वो ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया हैदराबाद में जी, जी जी जी। और उसके बाद से कारवा पीछे को शट डाउन कर गया, पीछे को गो बैक हो गया। इस कारण से तो जो तैयारी हुई थी 600 जातियों को एक मंच पे लाने में, तो वो पीछे को चली गई। और फिर जब उत्तर प्रदेश जो इसकी प्रयोगशाला है, तो वहां पर जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं और बैकवर्ड जातियां हैं उनके हिस्सेदारी कट कर दी गई। तो जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कट कर दी गई। तो उसके आधार पर जो आपके साथ जुड़े थे, जोड़ने का मसाला है, गारा है, सीमेंट और मसाला है, ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नैसर्गिक न्याय है। इससे बेहतरीन तरीका और नहीं हो सकता है। मानवर कांशीराम जी ने 6 वर्षों तक, जिसमें हम साझीदार रहे हैं,
शरीक रहे हैं 1983 से ही उनके आंदोलन में, तो उन्होंने जो एक बड़ी मूवमेंट चलाई, और किसी और को वो मूवमेंट चलाते हुए मैंने नहीं देखा, वो मूवमेंट थी कि मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा देना होगा। तो जब 1984 में ये मुहिम शुरू हुई तो उसमें 100 में से 90 लोग शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे जी जी, पर वो शेड्यूल कास्ट की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि मानवर कांशीराम जी ने कहा कि साहू महाराजा ने, ज्योतिराव फुले ने ओबीसी का होकर के और बाबा साहब अम्बेडकर को बिल्डअप किया, तैयार किया, और बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से उन्होंने, और 26 जुलाई 1902 को साहू महाराजा ने पिछड़े वर्ग का होते हुए और शूद्रों को आरक्षण प्रतिस्थापित किया अपने कोल्हापुर रियासत में। तो इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, यानी दलित वर्ग की, अनुसूचित जातियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पिछड़े वर्गों की लड़ाई लड़े, और वो लड़ाई 1990 आते आते जब वो 100 में 90 शेड्यूल कास्ट के होते थे, पर जब 14 अप्रैल 90 से लेकर 31 मई 90 तक दिल्ली के बोट क्लब में मानवर कांशीराम जी लगातार 48 दिन का धरना दे रहे थे, तो 100 में से 40 शेड्यूल कास्ट के लोग थे और 100 में 60 के लगभग ओबीसी के लोग उसमें शामिल हो चुके थे। तो उसी कारण से उत्तर प्रदेश में फिर एक बड़ा बदलाव हमने देखने को मिला। तो इसलिए जो आपने, मैंने कहा कि हम अपने नुमाइंदे नहीं जिता के भेज पा रहे हैं, तो नुमाइंदे हमारे जीत सके, अनटचेबल क्लास के भी, अछूतों के भी, तो 6000 जातियों में तोड़े गए लोगों के भी नुमाइंदे जीत सके, इसके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोल बाबा साहब अम्बेडकर ने सुझाया था वो। बिल्कुल दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी से, और हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी परतें खुलेंगी, बहुत सारे विचार उनके आपके सामने आएंगे। इस वक्त हम ब्रेक ले रहे हैं और बहुत जल्दी लौटेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। आप इंतजार करें और हमारे अगले एपिसोड में एक बार फिर होंगे माननीय दद्दू प्रसाद जी।